अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना, वो है जी रमज़ान के अबाउट आई मीन टू से दैट कि मैं आप लोगों के साथ बेसिक पकौड़े और चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। देखें, ये एक नॉर्मल सी मतलब कि सिंपल सी रेसिपी है, बट हमारा जो पकौड़ा है, अब मुझे लगता है उसमें बेसन की कोटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो नरम होने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए। तो मैं कुछ टिप्स जो है उनको फॉलो करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और बेसन के चिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसकी रेसिपी। तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना। होपफुली आप लोगों की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए, अगर किसी के पास मतलब कोई करेक्शन नहीं है तो वो हो जाए, कुछ आप लोग मुझसे सीख सकें और मैं आप लोगों से। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। देखें जी, रमज़ान की तैयारी में ना सबसे पहले ये काम आता है फ्रीज़र को अच्छे से नीट और क्लीन करना। मैंने क्या किया, पैन में अच्छे से पानी को बॉईल करके इसमें रखा था। ये देखें सारी, अब ये डीप रोस्ट हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करने लगी हूँ। ये देखें जी, फ्रीज़र हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। आज मेरा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम लोग फ्रिज डेली बेसिस पे साफ़ कर लेते हैं, वीक में 1 टाइम 2 टाइम, बट फ्रीज़र नहीं हम लोग कर पाते, मैं नहीं कर पाती। आज मेरा सबसे बड़ा काम हो गया। अब रह गया ये वाला हिस्सा। ये जो इसकी रबड़ है ना, इसे जरूर फेरना चाहिए। माशाल्लाह, अब हम लोग रमजान की प्रिपरेशन आसानी से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन। और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे मैंने अच्छे से साफ वगैरह किया। चलो अब हम इसको बंद करते हैं। गाइस ये देखें, रमज़ान की सबसे जो स्पेशल और अच्छी डिश है वो है जी चिप्स, जिसको मैंने आलू जो पील ऑफ कर लिए हैं। ये देखें, मैं ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी काटती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे, मतलब कि इस तरह से। जल्दी से हम लोग इसको कट कर लेते हैं। एक होते हैं आलू के फ्राइज और एक होते हैं बेसन के चिप्स। तो मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी बेसन के चिप्स की। यहाँ पर जी सेकंड जो मेरी रेसिपी है वो पकौड़ों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने छोटे छोटे से आलू लिए, उनको धो लिया। अब मैं क्या करूँगी, पकौड़ों के लिए उनको ग्रेट करूँगी। ग्रेट करने से जो पकौड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा और अच्छे से गल भी जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम है बट बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर ये देखें जी, मैं पकौड़ों के लिए 4 टेबलस्पून भर भर के बेसन लूंगी। ठीक है, पकौड़ों की ये टिप है, बेसन जो है ना हम लोगों ने पहले कम ऐड करना है हमेशा। ठीक हो गया, आप लोगों ने इसको छान लेना, मैंने ऑलरेडी छान लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, माय गॉड सॉरी फॉर दैट, नमक। ठीक है, हल्दी, स्पाइसेस कम ज़्यादा आप लोग अब खुद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। रेड चिली पाउडर, रेड चिली ये थोड़े से फ्लेक्स, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो बैटर है वो कम रेडी करना है। अगर आप लोगों को लगे मतलब कि थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा ऐड करना चाहिए तो आप लोगों ने फिर ज़्यादा ऐड करना है। बारीक बारीक 2 हरी मिर्चें ऐड करूंगी। बारीक बारीक, ठीक है, 1 ही काफी है। बच्चों ने भी खाने से मैं थोड़े स्पाइस का ध्यान रख रही हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी, किसी भी ब्रांड से ले सकते हैं, शान वालों की, नेशनल वालों की। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो मैं इसका बेटर बनाऊंगी। पकौड़े और चिप्स बनाना तो सबको आते हैं, बट आई थिंक सो
अच्छे पकौड़े और चिप्स बनाना मतलब कि टिप है। और ये एक बेसिक रेसिपी है जो कि जब तक आइसिंग और पकौड़े ना बने ना, हम लोग चाहे रोल बना लें, समोसे बना लें, हमारे घर में तो फिर भी कह ही देते, अगर थोड़े से पकौड़े भी हो जाते तो। सो मैं ज़्यादा नहीं, हर चीज़ कम क्वान्टिटी में बनाती हूँ, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये आलू, ठीक हो गया। और ये है जी एक अदद बड़ी बड़ी प्याज, ये देखें जी, इसको मैंने कर लिया है मिक्स। अब खूब सारा मैंने लिया है फ्रेश धनिया और इसको मैं कट करके ऐड कर जी, ये देखें हरा धनिया ऐड किया, साबुत जीरा ऐड किया और एक चुटकी मैंने ऐड की कलौंजी। अब इसको अगेन हम मिक्स करेंगे। चलें जी, ये देखें जी बैटर रेडी हो गया बिल्कुल अच्छे से। देखिए पैन में ऑयल गरम कर लिया और इसको पहले ऑयल अच्छे से गरम किया, अब मीडियम फ्लेम किया और हैंड की मदद से जितने साइज आप लोगों को चाहिए आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए, अब आप लोग देखें जब हमने ग्रेट किए हुए आलू कितने अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी भी बहुत मजे के बनेंगे अच्छे से। जबरदस्त, अब इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं, चंद सेकंड्स के लिए इधर से और चंद सेकंड्स के लिए उधर से। जबरदस्त, ये देखें 5 to 6 मिनट्स हो चुके हैं, ये देखें अब माशाल्लाह से होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड जो है ना वो चेंज करूंगी, पहले मैं इनको सबको थोड़ा सा हिला रही हूँ कफीर की मदद से, चिमटे की मदद से। ये देखें ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसके। अब मैं इसको निकाल लूंगी, जबरदस्त हमारे पकौड़े फ्राई हो गए, अच्छे से गल भी गए हैं। और ये देखिए, मुझे तो ये साइज ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटा छोटा, ना इतना ज़्यादा बड़ा और ना ही इतना ज़्यादा छोटा। आप लोग जिस साइज के भी चाहे आप लोग रख सकते हैं। ये देखें जिसमें मैंने पकौड़े बनाए थे मैंने वही बाउल लिया, ठीक है। आलू के बेसन के चिप्स बनाने के लिए इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून के करीब बेसन, फ्रेश हल्दी ऐड करूंगी, नमक बस और हल्का सा रेड चिली फ्लेक्स। इतने अच्छे क्रिस्पी बनते हैं इस तरह से, थोड़ा सा जीरा साबुत और इसका हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम लोगों ने पानी नहीं ऐड करना, इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट भीगे हुए आलू के चिप्स ऐड करने हैं। अगर आप लोगों को महसूस हो कि पानी ऐड करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। कहीं कहीं इस तरह बेसन लगता है, मीन के आता है और कहीं कहीं नहीं, बहुत अच्छे प्राइस बनते हैं। आप लोग चाहें तो मतलब कि कम या ज्यादा लेयर जो थिन कर सकते हैं। जैसे पकोड़े मतलब मैंने फ्राई किए, उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मली चिप्स फ्राई करते हैं ना, वैसे मैंने फ्राई की, थोड़ी सी मैंने आंच धीमी रखी है, आलू अच्छे से अंदर से गल जाए। ये देखें अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेहतरीन रमज़ान की फर्स्ट रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ पर जो बन रही है चाय, और हमेशा जो चिप्स है ना उसको हम लोगों को थोड़ा सा हाई फ्लेम करके उतारना चाहिए, निकालना चाहिए। ये जबरदस्त,
कलर आ गया लाइट गोल्डन गोल्डन सा। हमारे पकौड़े और चिप की फाइनल लुक, वाओ। लाइक शेयर जरूर करना अगर अच्छा लगा कंटेंट। यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ रोटी, ठीक है। पहले मैंने जो फ्लेम है वो किया है, क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सा लो किया, क्योंकि अब गर्मी इतनी हो गई है ना वैसे बहुत ज़्यादा। ये आज थोड़ी साफ सुथरी हुई हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज बाहर गई थी, वो भी मैं ब्लॉग में ऐड करूँगी। पर जी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। रमज़ान की प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को दिखाई अभी तक जो मैंने की, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं किचन के साथ साथ मैं कुरान पाक भी मतलब कि स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं रमज़ान से पहले जैसे किचन की तैयारी करती हूँ, डीप क्लीनिंग या खाना बना के हम लोग जैसे फ्रीज करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ पर्सनली कुरान पाक स्टार्ट कर लेती हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ में मैं मतलब कि दो कुरान पाक मुकम्मल कर लेती, अब इस तरह नहीं होता, लेकिन पहले से ही स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि हम लोग जैसे हम लोग सारे काम करते हैं, हम लोग ये काम भी मतलब अच्छे से कर सकें। तो इस तरह ये होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है पढ़ लेती हूँ दिल से, और जब मतलब कि मुझे टाइम नहीं मिलता, अगर मेरा वन डे या टू डे स्किप हो गया गुजर गया तो वो इस तरह से कवर हो जाता है। और अगर आप लोगों को मेरा आज की रमज़ान की प्रिपरेशन व्लॉग्स या रेसिपीज अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं क्या करती हूँ कि स्पेशली जब मेरा दिल करता है ना, मतलब मेरे बच्चे सो जाते हैं, मुझे मतलब कि कहते हैं ना कि मैं रिलैक्स हूँ मेंटली, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ हम लोग मेंटली रिलैक्स तब होते हैं जब हमारे बच्चे ने अच्छा खाया हो, जब हम लोगों ने अच्छा सा खाना घर वालों के लिए बना के रखा हो या कुछ भी। तो मैं क्या करती हूँ जब मेरे दिल से आवाज़ आती है ना कि मारिया अब कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, तो मैं आराम से बैठ के माशाल्लाह से एक पारा डेढ़ पारा एक रुकू एक सूरत दूध पाक पढ़ना मतलब पढ़े तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। ये मैंने आप लोगों के साथ टिप शेयर किया और चलते फिरते दूध पाक पढ़ लेती हूँ। और बस यही कहना था। अभी मैं बनाने लगी थी रोटी, तो चाय बनाने लगी थी साथ एक आधी रोटी बना लेंगे, तो मैंने कहा व्लॉग का एंड कर देती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मुझे ह्यूज थम्स देना ताकि जो भी मेरे न्यू चैनल पे आते हैं लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया करो, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और मेरा चैनल जो है ग्रोइंग की तरफ आए। थैंक यू सो मच फॉर जो देखते हैं उनकी मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लास्ट में आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ कि पर्सनली ना जब मैं अपनी मम्मी के घर थी, जब मैं मैरिड नहीं थी, तो मैं क्या करती थी यकीन माने कोई काम नहीं करती थी, उठ के रोज़ा रखा है यहाँ लेट वहाँ लेट, मींस कि अम्मी सारा खुद करती थी, बस रोज़े टाइम उठ के बर्तन उठाने वाले बर्तन धो देने बस। तो अब याद आता है कि जब रोज़ा रख के हर काम खुद करती हूँ और अल्लाह ताला इतना सब्र इतनी हिम्मत दे देता है, तो मैं माओं को सल्यूट करती हूँ कि लेकिन वक्त के साथ साथ मेजोरिटी आ जाती है। अब रमज़ान में मेरी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है, मैं सारा दिन भी जागती हूँ और मुझे आदत है रात को लेट सोने की, तो मैं सहरी करके ही सोती हूँ। लेकिन इस बार मेरी बच्ची जाती है स्कूल, तो मैं थोड़ी सी डरी हुई करती हूँ कि कैसे रमज़ान में पहले बच्चों को ही टेक केयर करनी, सारा दिन उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना और फिर प्रॉपर अफ्तारी बनाना। तो खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह।